नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ लोग धर्म की बुराई कर रहे हैं, लेकिन अब लोग इन लोगों से मुकाबला भी कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर गंदगी फैलाने वालों की खटिया खड़ी हो रही है। आप भारत में ही देख लीजिए, देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले बॉलीवुड के डायरेक्टरों प्रोड्यूसरों की हालत खस्ता है और सभी हीरो हीरोइनों की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहे हैं और इसी को लेकर लोग अब लामबंद हो रहे हैं। अब उसी कड़ी में दुनिया के गल्फ कोऑपरेशन देशों की काउंसलिंग ने OTT ब्रांड नेटफ्लिक्स से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए कहा है। काउंसलिंग में शामिल सभी देशों के सदस्यों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि नेटफ्लिक्स ऐसे कंटेंट का प्रसारण रोक दे जो इस्लाम और सामाजिक मूल्यों के विपरीत हो। अगर नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ काउंसिल की ओर से लीगल एक्शन लिया जा सकता है। गल्फ देशों की इस काउंसलिंग में 6 मिडिल ईस्ट देश सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर शामिल हैं। काउंसलिंग की ओर से बयान में ये भी कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ऐसे कंटेंट का प्रसारण कर रहा है जो गल्फ देशों के मीडिया कंटेंट रेगुलेशन के अनुसार उल्लंघन माना जाता है। वहीं GCC काउंसिल ने संयुक्त बयान में कहा कि नेटफ्लिक्स बच्चों के लिए प्रसारित हो रहा कुछ कंटेंट भी हटाए। सऊदी अरब और UAE ने काउंसिल के बयान का प्रसारण अपने सरकारी चैनलों पर भी किया। हालांकि अभी तक USA बेस्ड OTT कंपनी नेटफ्लिक्स की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं GCC काउंसिल के फैसले के पीछे की एक वजह नेटफ्लिक्स की कमाई भी बताई जा रही है, जिस पर रीजनल चैनलों की भी नज़र है। दरअसल सऊदी अरब में कई चैनल ऐसे हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं। इसमें एक शाहिद सर्विस ऑपरेटेड भी है, जिसे सऊदी सरकार से जुड़ा MBC ग्रुप ऑपरेट करता है। इस सर्विस ऑपरेटर में सऊदी सरकार की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी है। ऐसे में सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग मनोरंजन के लिए इस सर्विस से जुड़ें। नेटफ्लिक्स को लेकर गल्फ देशों की काउंसलिंग के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि काउंसलिंग नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे ऐसे कंटेंट से खासतौर पर परेशान है जिसमें समलैंगिकता दिखाई जा रही हो। पहले भी कई मिडिल ईस्ट देश फिल्मों या वेब सीरीज में ऐसे सीन्स को हटाने के लिए बयान दे चुके हैं जिसमें गे या लेस्बियन किसिंग सीन दिखाया गया हो। बीते जून महीने में सऊदी अरब UAE ने डिज्नी मूवीज की फिल्म लाइट ईयर की स्क्रीनिंग पर थिएटर्स में रोक लगा दी थी। इसके पीछे फिल्म में दिखने वाले कैरेक्टर्स का समलैंगिक रिश्ता था और इन देशों के मीडिया रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जा रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों गल्फ देशों की भौहें नेटफ्लिक्स पर इस वक्त चढ़ी हुई हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।